के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोदक। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन सम्माननीय अतिथिगणों का अभिवादन एवं सादर अनुरोध, कृपया दीप प्रज्वलन करें। आगामी कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं
कुलपति महोदया से स्वागत उद्बोधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति परम सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ सम्माननीय सुश्री अनसुईया उइके जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक जी, सम्मानित कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, गणमान्य अतिथिगण एवं आदरणीय नगरवासीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, शिक्षक कर्मचारी एवं अधिकारीगण, युवा स्नातक एवं विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अप्रतिम हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। इस विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्रथम बार भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि का आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उन्हें शीर्ष झुका करके प्रणाम करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं सादर प्रणाम एवं अभिनंदन करती हूँ। समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहता है। मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और यहाँ आने के लिए आभारी हूँ। 2015 में मैंने जब यह विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था तो उसके पहले लगभग 16 महीनों तक यहाँ पर रेगुलर वीसी नहीं थे एवं अनेक जटिल समस्याएं व्याप्त थीं, जैसे आधे अधूरे खंडहर होते 7-8 नए भवन, कोर्ट केसेस की भरमार लड़खड़ाई, प्रशासनिक व्यवस्था, ऑर्डिनेंस इंस्टीट्यूट का ड्राफ्टिंग ना हो पाना आदि। आज मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उन सभी समस्याओं से मुक्त होकर इस विश्वविद्यालय को सशक्त नींव मिल चुकी है और यह ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। मैं उन युवा स्नातकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपने आप को आज उपाधियों एवं पदकों के योग्य सिद्ध किया। इस प्रांगण में उपस्थित सभी अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज आपके समक्ष विश्वविद्यालय का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। जैसा कि हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, हमारे विश्वविद्यालय का प्रथम कर्तव्य है टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन में गुणवत्ता का उन्नयन। शिक्षण एवं शोध की बौद्धिक संपदा का आधार स्तंभ शिक्षक है। इस हेतु पिछले 2-3 महीने के अंतराल में ही विश्वविद्यालय में 108 परमानेंट उच्च स्तरीय शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके अलावा शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु अनेक अन्य सफल प्रयास भी निरंतर जारी हैं, जैसे एकेडमिक कैलेंडर का समयबद्ध पालन, समय पर रिजल्ट व डिग्रियां, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इफेक्टिवली लागू करना, कैंपस में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा, 7 फुल्ली इक्विप्ड स्मार्ट क्लासरूम, 29 सेमी स्मार्ट क्लासरूम, लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल लैंग्वेज लैब, ऑनलाइन कोर्स की सुविधा हेतु मूक्स लैब, मीडिया की टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के लिए मीडिया लैब, अंग्रेजी भाषा हेतु लैंग्वेज लैब, हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में लगभग 1,70,000 पुस्तकें, 5,500 ई बुक्स और रिसोर्सेज से भरपूर हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित की गई है। हमारे छात्र और शिक्षक लाइब्रेरी या लैब में बैठे बैठे वहाँ लगे कंप्यूटर पर दुनिया के लगभग सभी प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। इस नवीनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कैंपस में नॉलेज एनी टाइम एनी वेयर और नॉलेज एट फिंगर टिप्स को सुनिश्चित किया गया है। वहीं छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए NSS, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्किल डेवलपमेंट, अन्वेषण, स्वयंप्रभा चैनल्स, MOOCs, ये सभी छात्रों को अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अनेकानेक एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां हैं जिसमें कि छात्र भाग लेते हैं। उन्नत भारत, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उन्नत भारत अभियान के तहत हमने आसपास के ऐसे 9 गांव गोद लिए हैं जो कि जनजाति बहुल हैं। यहाँ हमारे विद्यार्थी अनवरत कैंप लगाते हैं और अनेक गतिविधियों के द्वारा गांव और जमीन से जुड़ते हैं और इससे ग्राम वासियों को सीधा फायदा पहुँचता है। हेफा के अंतर्गत फंड मिलना बहुत ही दुरूह प्रक्रिया थी, लेकिन हमने अनेक भवनों को पूर्ण कराया, अनेक नए भवन के लिए हमने फंड लाए, लगभग 275
करोड़ रुपए का फंड मेरे कार्यकाल में विश्वविद्यालय को मिला है और हेफा की टीडीएस प्रोसेस को पूरा करके भी हमने बड़ी राशि पाने में सफलता पाई है। गुणवत्ता युक्त शोध को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 429 लाख रुपए के 187 रिसर्च प्रोजेक्ट्स संचालित हैं, जिनके लिए प्राप्त अनुदान राशि 1244 लाख रुपयों से ज़्यादा रही है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अनुदान प्राप्त प्रतिष्ठित फिस्ट यूजीसी द्वारा स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम भी हमें प्राप्त है। लगभग 19 से भी ज़्यादा एमओयू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किए गए हैं। भारत सरकार की ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्किंग ज्ञान योजना के तहत हमने विदेशी हम एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है और एक एक हफ्ते से भी ज़्यादा के कोर्सेज शिक्षकों को और विद्यार्थियों को अवेलेबल कराया है। शोध के लिए विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लगातार आयोजित किया जाता है और इस समय लगभग हमारे 200 से 250 रिसर्च स्कॉलर्स अवेलेबल हैं। हमारे 939 रिसर्च पेपर ग्लोबली रिकॉग्नाइज जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। यह विश्वविद्यालय महान संत गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपना सारा जीवन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में लैब टू लैंड अर्थात विश्वविद्यालय में उपलब्ध ज्ञान का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय समुदाय को मिले, ऐसे प्रयास भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को विश्वविद्यालय में कृषि, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट, सेरिकल्चर, बायोफर्टिलाइजर आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। पारंपरिक जड़ी बूटियों के ज्ञान संवर्धन हेतु हर्बल गार्डन भी बनाया गया है। छात्र हित में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं जैसे नेट, स्लेट, गेट, सिविल सर्विसेज, राज्य सर्विसेज आदि में बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी सफल हुए हैं और इनका गूगल, इंटेल, आईटीसी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। हमारे छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर की अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनका यहाँ पे कम समय में उल्लेख कर पाना उनका विवरण संभव नहीं है। हमने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी डेवलप की है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा डिग्रियाँ अपलोड की जा चुकी हैं और विश्व के किसी भी कोने से छात्र छात्राएं अपनी डिग्रियां वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये बताना चाहती हूं कि अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वित्त समिति द्वारा विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई है। इन सभी प्रयासों से विश्वविद्यालय के नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस संबंध में कुछ आंकड़े बहुत संक्षेप में शेयर करना चाहूंगी। 2009-10 में जहां विश्वविद्यालय में कुल छात्र संख्या केवल 2,500 थी, वह अभी वर्तमान में 7,500 है और आने वाले दिनों में हमारा प्रोजेक्शन 11,500 से भी ज़्यादा इसे बताता है। उल्लेखनीय यह है कि इसमें छात्राओं की संख्या लगभग 50% है। शिक्षकों की संख्या भी 210 से बढ़कर 314 हो गई है। सारांश यह है कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, अपितु शिक्षा के साथ संस्कार का भी निर्माण हो रहा है। समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु हमारे विद्यार्थी देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभ गरिमामय उपस्थिति नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। आपके आशीर्वचन हमारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे और पूरे विश्वविद्यालय परिवार से सदैव मिलने वाले सहयोग के साथ भविष्य हम और भी संकल्पित होकर इस विश्वविद्यालय के समग्र उन्नयन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं सादर धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलपति महोदया से मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्मृति चिन्ह से स्वागत करने हेतु अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं माननीय कुलपति
अब मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा कि समारोह के सम्मानीय अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा कि समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करना चाहूँगा कि मंचासीन माननीय कुलाधिपति महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं हमारे माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक जी से उद्बोधन प्रदान करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक। परम सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति, सम्माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और जिनकी अकादमिक परिकल्पना से यह विश्वविद्यालय उन्नयन के नए नए शिखरों की ओर अग्रसर है, प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायों के संकायाध्यक्षगण, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार कुल सचिव, समस्त विभागाध्यक्षगण, शिक्षक अधिकारी एवं कर्मचारीगण, युवा स्नातक विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, महान समाज सुधारक एवं संत शिरोमणि गुरु घासीदास के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए हर्ष और गौरव का विषय है। इस समारोह में उपाधि ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, साथ ही अपने परिश्रम और मेधा से स्वर्ण पदक प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संतनाम पंथ के प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त गुरु घासीदास जी ने समाज में व्याप्त विषमता, शोषण तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान सामाजिक हैसियत रखता है। मुझे यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज 74 छात्रों को पदक एवं 75 छात्रों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी इन उपलब्धियों से हम सभी गौरवान्वित है एवं इस उम्मीद के प्रति आश्वस्त है कि आगामी जीवन में आप और बड़ी सफलताएं अर्जित कर पाएंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इस अष्टम दीक्षांत समारोह के यादगार दिवस पर मैं विशेष रूप से इनके अभिभावकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाया। आपके धैर्य और विश्वास के फलस्वरूप आपके बच्चे सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सके, यह हर्ष का विषय है कि उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वालों में काफी संख्या छात्राओं की है। आज का दिन आपके लिए एक सोपान के पूरा
और दूसरे सोपान के प्रारंभ का है। आगे के सफर में आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालय ने आपको पहले ही तैयार कर दिया है। यह वास्तव में सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए मैं सभी शिक्षकों एवं प्रशासन के सभी अंगों को साधुवाद देता हूं। दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अवसर होता है। छात्रों को अपने जीवन में शिक्षा के साथ नैतिकता, ईमानदारी, करुणा और दया जैसे गुणों को भी अपनाना होगा, जिससे आप सर्वगुण संपन्न होकर प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कठिन परिश्रम, सहनशीलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक मनोवृत्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, हमें बिना रुके चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना है। एक बार पुनः मैं स्वर्ण पदक एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले सभी होनहार छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्नातकों को प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं को अनुमति प्रदान करें। महोदय, मैं प्रोफेसर देवेंद्र नाथ सिंह, अधिष्ठाता कला विद्यापीठ, कुल 6 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। महोदय, मैं प्रोफेसर मनीषा दुबे, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, छात्र छात्राओं कुल 6 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि हेतु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। सर, आई प्रोफेसर गौतम कुमार पात्र, डीन स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ फिजिकल साइंस, प्रेजेंट अनटू यू 8 कैंडिडेट्स हु हैव बीन एग्जामिन्ड एंड फाउंड क्वालिफाइड फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी टू व्हिच आई प्रे दोस प्रेजेंट मे बी एडमिटेड। मैं प्रोफेसर अमित कुमार सक्सेना, अधिष्ठाता गणितीय एवं संगणक विज्ञान विद्यापीठ, 7 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि हेतु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। सर, आई प्रोफेसर LVKS भास्कर, डीन स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ लाइफ साइंसेज, प्रेजेंट अन टू यू 11 कैंडिडेट्स who have been examined and found to be qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray those present may be admitted. Sir, I, Professor Manish Vastav, Dean School of Management and Commerce, present unto you the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray those present may be admitted. Mahoday, मैं प्रोफेसर SS सिंह, अधिष्ठाता प्राथमिक संसाधन विद्यापीठ के कुल 17 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं,
जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि हेतु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। सर, आई प्रोफेसर वेशन सिंह राठौड़, डीन स्कूल ऑफ स्टडीज इन एजुकेशन, प्रेजेंट अन टू यू द फॉलोइंग 9 कैंडिडेट्स हु हैव बीन एग्जामिन्ड एंड फाउंड क्वालिफाइड फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी टू विच आई प्रे दोज प्रेजेंट मे बी एडमिटेड। महोदय, मैं प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ तिवारी, अधिष्ठाता अंतर विषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ के 3 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि हेतु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करते हुए निम्न निर्दिष्ट अनुशासन दे रहा हूं। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूं, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना। प्रतिज्ञा करता हूं। सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्य की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना। प्रतिज्ञा करता हूं। अपनी माता और मातृभूमि को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना, औरों का नहीं। प्रतिज्ञा करता हूं। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार आचरण करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार से आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। महोदय, विभिन्न अध्ययन शालाओं के स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक पत्रोपाधि के लिए सत्र 2018-19 में जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि पत्रोपाधि योग्यता प्रमाणित की है परंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन अनुपस्थित कुल 2106 छात्रों को उनकी उपाधि पत्रोपाधि प्रदान कर सम्मानित करें। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के स्वनिहित अधिकार से मैं अनुज्ञा प्राप्त अनुपस्थित सभी छात्र छात्राओं को उनसे संबंधित स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उपाधियों के सिद्ध करें, योग्य सिद्ध करें। महोदय, मैं आपके समक्ष उपस्थित छात्र छात्राओं में से 9 विद्यार्थियों को जो समस्त अध्ययन शालाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की सत्र 2018-19 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है कि इन्हें विश्वविद्यालय एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त संदान निधि से स्थापित पदक से विभूषित किए जाएँ। BSc ऑनर्स गणित कुमारी क्विनी यादव, विश्वविद्यालय पदक एवं विश्वविद्यालय द्वारा 2019 में आयोजित समस्त परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गुरु घासीदास पदक।
एमलिव एंड इंफॉर्मेशन साइंस विनोद कुमार खूटे विश्वविद्यालय पदक। एमए अर्थशास्त्र किशोर कुमार कोठारी विश्वविद्यालय पदक। बीएससी ऑनर्स भौतिक शास्त्र कुमारी चंद्रिका विश्वविद्यालय पदक। बीकॉम ऑनर्स कुमारी पूजा पटेल विश्वविद्यालय पदक। एमएससी प्राणी शास्त्र कुमारी अर्पिता नाहक विश्वविद्यालय पदक। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग देवारुण दास भौमिक विश्वविद्यालय पदक। डी फार्मा कुमारी आयुषी सिंह विश्वविद्यालय पदक। बीकॉम एलएलबी कुमारी माधुरी मरकाम विश्वविद्यालय पदक। मैं हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को नव निर्मित 5 भवनों का उद्घाटन करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। मैं आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के अष्टम दीक्षांत समारोह के अवसर में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, सम्माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, माननीय राज्यपाल प्रोफेसर अशोक मोडक जी, कुलाधिपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, विद्यार्थीगण, मीडिया के साथियों, गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय साथियों, मैं उन सभी युवा साथियों को बधाई देता हूं जो अष्टम दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं
कि जो 9 मेडल प्राप्त हुए उसमें से 6 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। उसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, जनजाति के भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं जो मेडल प्राप्त किए, उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामना। मैं उन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं जो मेरिट में नहीं आ पाए, किसी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उपाधि हासिल कर रहे हैं। मेरा मानना है सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। सवाल सिर्फ यह है कि आप किस समय यह तय करते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जी जान से कब जुटते हैं। आदरणीय साथियों, जब आप ठान लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, यह युवा शक्ति की पहचान है। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम फहरा रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आपकी इन उपलब्धियों से हम सभी गौरवान्वित हैं और आश्वस्त हैं कि आगामी जीवन में आप और भी अनेक सफलताएं अर्जित करेंगे। हमें इस बात पर भी गर्व है कि अब प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय उन महान संत गुरु घासीदास जी के नाम पर है जिन्होंने आज से 200 वर्ष पूर्व समाज सुधार एवं मनखे मनखे एक समान की अलग जगाई थी, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संत गुरु घासीदास जी के आदर्शों, शिक्षक एवं शिक्षा का अनुसरण करते हुए यहाँ के छात्र एवं उनके शिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य के उच्चतर शिक्षक शिक्षा एवं अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। शिक्षा किसी भी समाज के वह आधारशिला होती है जिस पर श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होता है। यही श्रेष्ठ व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेरा मानना है शिक्षा ऐसी हो जो न सिर्फ ज्ञानदायी हो बल्कि जीवन में विनम्रता और नैतिक मूल्यों का सृजन एवं संपोषण भी करती रहे। छात्रों को सफल नागरिक बनाना विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। आपकी शिक्षा आपको मानवता एवं मातृभूमि के सम्मान के लिए प्रेरित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता जो इस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, वह जीवन की समस्त बाधाओं का सामना करते हुए सफलता के नए शिखर में पहुंचाने में सहायक होगी। आप सभी को अपने चरित्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता की परंपरा को बनाए रखने हेतु स्वयं को समर्पित करना होगा। किसी विश्वविद्यालय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितने गुणात्मक छात्र तैयार किए एवं वहाँ के शिक्षकों ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज की युवा अपने परिवेश टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सहजता से समझ रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। मेरा मानना है युवाओं को जितनी जरूरत नए साधनों की है उससे अधिक जरूरत उन पर विश्वास जताने की, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने की है। अच्छी पढ़ाई करने का महत्व तो अपने स्थान पर रहता ही है, लेकिन अन्य गुण, कौशल, विशेषताएं भी युवाओं के लिए कई रास्ते खोलती है जिससे वह अपने आप को सिद्ध करने का अवसर मिलता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांगों के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। इसलिए मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और शोध सुविधाएं भी इसी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, वैल्यू एडिशन, स्थानीय विकास के माध्यम से क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर करना भी आज एक चुनौती है।
और इसका सामना करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बदलाव की आवश्यकता है। हमने यह देखा है कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता, संस्कृति, विरासत और लोक रंगों का सम्मान करके हम जनता के विकास में सरलता से भागीदार बन सकते हैं। इसलिए युवाओं को इन मूल्यों से जोड़ना और इसके साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की परिकल्पना पर आज उच्च शिक्षा के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को अपने ग्राम के विकास, पशुधन के संरक्षण और कृषक जीवन के विषय को अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि उच्च शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ सके। इससे हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी शोधार्थी अपने अंचल की संस्कृति और अस्मिता को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे। हम प्रदेश के महाविद्यालयों को बरसों पुराने अभावों से निजात दिलाने के लिए एक ओर जहां 1500 शैक्षणिक तथा खेल अधिकारी के पदों की भर्ती कर रहे हैं, वहीं खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। खेलों के विकास की जिम्मेदारी निभाने में औद्योगिक संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकता है। हम ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन करने जा रहे हैं, जो युवा ऊर्जा का उपयोग सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में करेंगे। खेल और विभिन्न विधाओं के प्रतिभाओं को गांव से लेकर राज्य स्तर तक चिन्हित और चयनित करने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसे हर साल करने का निर्णय लिया है। हमने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर प्रवास की स्मृतियों को सहेजने के लिए उनके प्रवास स्थल को स्मारक के रूप में विकसित कर रहे हैं और उस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। उनके वैज्ञानिक और सर्वधर्म संभाव के विचारों से युवाओं को सही दिशा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से उपाधि पाने वाले युवा अपने रोजगार तथा करियर के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपनी भूमिका निभाएं, नियमित रूप से कुछ समय समाज को देना सुनिश्चित करें, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से स्थानीय जनता से जोड़ने में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर कहता हूं, युवाओं की क्षमता, उनकी रचनात्मक सोच पर विश्वास करके ही हम प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वे अपने देश के महान विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश को आज़ादी के बाद 7 दशकों में अपनी मेधा, त्याग, तपस्या से विकास के वर्तमान शिखर पर पहुंचाने वाले लोगों के बारे में जानें, समझें, अपने महान संविधान के बारे में न सिर्फ जागरूक हों बल्कि अन्य लोगों से इस विषय पर चर्चा करें, संविधान की रक्षा का संकल्प लें। आज से आपका जीवन एक नए अध्याय का शुरुआत हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, जो हमारे ऊपर महती कृपा कर इस विश्वविद्यालय में पधारे हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति को दीक्षांत भाषण प्रदान हेतु करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ की राज्यपाल
हम सब लोग जानते हैं कि गुरु घासीदास जी के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन को विशेष तौर पर शुभ मानते हैं, क्योंकि सोमवार के इस दिन सन 1770 ईस्वी में गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ। गुरु घासीदास जी ने समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को आपस में मेलजोल तथा समरसता से रहने और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका संदेश था, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने भी उल्लेख किया, मन के एक समान, अर्थात सभी मनुष्य एक समान। वे कहते भी थे कि सत्य मानव का आभूषण, सत्य ही सेवा, करुणा, चैतन्य, प्रेम, संयम, शील तथा चरित्र का प्रतीक है। इसलिए लोगों को सतनाम का स्मरण और ध्यान करना चाहिए तथा सभी धर्मों के सत्य रस्मों का आदर करना चाहिए। सतनाम पंथ के अनुयायी कर्म का अनुसरण करने और नियम कानूनों का सम्मान करने के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे गुरु घासीदास जी की पावन जन्मभूमि गिरौरपुरी धाम की यात्रा के शुभ अवसर में प्राप्त हो, वहां पर मैंने शांति व सद्भाव का संदेश देने वाले जय धाम की भव्यता के दर्शन भी किए। मुझे स्मरण है कि पिछली बार 6 नवंबर 2017 की यात्रा के समय मुझे उनके अनुयायियों ने जय धाम की एक प्रतिकृति भी भेंट की गई, जिसे मैंने राष्ट्रपति भवन में समुचित स्थान दिया। देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा है। छत्तीसगढ़ की इस धरती को सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद धामी माधवराव सप्रे, मुकुटधर पांडे, वीर नारायण सिंह, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, इंजीनियर राजेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर खेतीलाल और कीर्तन बाई जैसे अनेक विशिष्ट लोगों की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त। यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रति पंक्ति, सुवा और कर्मा जैसे लोक नृत्य तथा दादरिया व खंडवानी जैसे लोक गीत पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन दक्षिण कौशल साम्राज्य की राजधानी इसी बिलासपुर रतनपुर में थी और उस समय ये स्थान भाषा, साहित्य व कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। अपनी उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं और उच्च न्यायालय के कारण आज भी बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज कन्वोकेशन के समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। संभवतः आपको कुछ असुविधा भी हुई होगी, लेकिन आप सबने अपने छोटे भाई बहनों जो आज बोर्ड की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अप्रत्यक्ष रूप से आपने बहुत बड़ी मदद की। इसके लिए आप सभी सराहना के पात्र। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से जिन विद्यार्थियों को आज स्वर्ण पदक और उपाधियां प्राप्त हो रही हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 74 विद्यार्थियों में से बेटियों की संख्या 44 है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, यहां पर हमारे 10 ये जो रेशियो है वो 6 और 9 का नहीं है, बल्कि रेशियो है 7 और 3 का, क्योंकि एक बेटी हमारी जो क्वीनी यादव, उसको 1 मेडल नहीं बल्कि 2 मेडल है। इसलिए मेडल पाने वालों की संख्या 9 हो सकती है, बेटियों की उनमें बेटियों की संख्या 6 हो सकती है,
तीन हमारे बेटों की है, लेकिन वो जो छह बेटियां हैं उन्होंने 7 मेडल हासिल किए। और मैं सोच रहा था कि इस बच्ची का जिसने 2 मेडल हासिल किए हैं उसके माता पिता ने उसका नाम क्वीनी क्वीनी याद रखा, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस एक्सलेंट इन परफॉर्मेंस के जरिए साबित कर दिया है कि वो क्वीनी से बढ़कर के अब क्वीन यादव कहलाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, और नामांकन में भी बेटियों की संख्या बढ़ रही है। बेटियों की उपलब्धियों को देखकर ये भरोसा होता है कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। ये सुनहरे भारत की एक तस्वीर है जो आज हम सब लोग बेटियों के माध्यम से देखते हैं। शैक्षिक जीवन में आप सबको जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें आपके माता पिता और शिक्षकों के सहित सहायता, मार्गदर्शन और स्नेह की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके समर्पण तथा प्रतिबद्धता की झलक आज मुझे उनके संतुष्टि भरे चेहरों पर दिखाई देती है। उपलब्धियों की ऊर्जा और उल्लास से भरे इस वातावरण में सभी अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की मैं सराहना करता हूँ। एक बात की ओर आप सबका ध्यान दिलाना मुझे प्रासंगिक है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। और मैं प्रायः कहता हूं कि जो अच्छा इंसान होगा, यदि वो डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, टीचर होगा तो अच्छा टीचर होगा, विद्यार्थी होगा तो अच्छा विद्यार्थी होगा, और यहाँ तक कि यदि वो अच्छा इंसान होगा और वो यदि अच्छा पति भी हो सकता है और अच्छा पिता भी। इसी प्रकार से यदि बेटी हमारी अच्छी इंसान बनकर के उभरती है तो वो एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी बेटी की भी भूमिका निभा। विद्या में नैतिक मूल्यों का समावेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के बिना प्राप्त विद्या समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। प्रिय शिक्षक, हर विश्वविद्यालय के लिए कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों में ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, कानून के प्रति सम्मान और समय पालन जैसे जीवन मूल्यों का संचार। सभी विद्यार्थीगण एक लोकतांत्रिक देश के सच्चे नागरिक बन सकेंगे और कानून के शासन को मजबूत बनाए। आज दुनिया में भारत की पहचान एक आधुनिक और उद्यमी राष्ट्र के रूप में हो रही है। इसके लिए सभी देशवासी, विशेषकर हमारे परिश्रमी युवा बधाई देते हैं। आप जैसे युवाओं की ऊर्जा के बल पर ही हम आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने में सफल। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बहनों की बहुत बड़ी आवाज है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी बेटे बेटियों के जीवन में शिक्षा की ज्योति का प्रसार करता है। मुझे ये बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा एवं शोध के संबंध में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए विलुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण हेतु इंडेंजर्ड लैंग्वेज सेंटर की स्थापना की। इन भाषाओं का संरक्षण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भाषाओं को बचाने से हमारी परंपराओं और संस्कृति की भी रक्षा हो सके। पूरी दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का अनुभव यही रहा है कि उनके पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय की कीर्ति के ध्वज बात। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों में से कई प्रशासक, टेक्नोक्रेट, वैज्ञानिक आज देश और दुनिया के अनेक उत्कृष्ट संस्थानों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध कि अपना कुछ समय और संसाधन विश्वविद्यालय के शैक्षिक व शोध कार्यों को दें और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। मैं इन सभी पूर्व छात्रों
से मैं और अनुरोध करूं कि कभी कभी विश्वविद्यालय अर्थात जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो वर्ष में एक बार वहां पर जरूर विजिट करें। मुझे लगता है उससे वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का बहुत हौसला। देवी और सज्जनों, पिछली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था तो हीरा नाम में महिला स्व सहायता समूह और किसान समूह के भाई बहनों से भी मिलने का सुअवसर था। वे लोग मिलकर एक ही परिसर में खेती बागवानी पशुपालन मुर्गी पालन शहद उत्पादन जैविक खेती और राइस मिल चलाने जैसे कार्य करते हैं और उन्होंने इस प्रकार की सफलता पाकर के एक मिसाल पेश की। उस यात्रा के दौरान मैंने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए स्थापित आस्था विद्या मंदिर में विद्यार्थियों से उनके अनुभव सुने और उनकी संकल्प शक्ति भी देखी। मुझे विश्वास है कि नक्सलवाद की विचारधारा से भ्रमित कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा से पीड़ित परिवारों को शिक्षा की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है उससे हिंसा और आतंक का दुष्प्रभाव दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नौजवानों को रोजगार खेती आदि के लिए दी जाने वाली सुविधाएं सराहनीय। देवी और सज्जनों, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय को श्री अशोक मोदक जैसे शिक्षाविद और प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जैसी ऊर्जावान कुलपति का नेतृत्व प्राप्त। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्वयं भी आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए सबल प्रयास किए। इस नेतृत्व की पृष्ठभूमि में गुरु घासीदास विद्यालय को अपने लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने चाहिए, जैसे आने वाले 10 वर्षों में यह विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में शामिल हो या फिर सेंटर ऑफ एक्सलेंस। इस प्रकार के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमें तय करते ही आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज में इसके साथ साथ और भी कहना चाहूंगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक समाज में इस प्रकार की मान्यता है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है वो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी से बेटर है, और इसलिए मैं सबसे न केवल इस विश्वविद्यालय के लिए बल्कि आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन टू परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड अदर अलाइड सर्विसेज। यू ऑल आर मैंडेटेड टू प्रूव योर वर्थ बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और मैं कहता हूं कि जो लक्ष्य हमारा ऊंचा होता है संकल्प मजबूत होते हैं तो हमारे प्रयास भी उस दिशा में अपने आप प्रबल हो जाते हैं। अंत में एक बार फिर मैं आज के दीक्षांत समारोह में इकी व अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मेरी कामना है कि जीवन के नए चरण में प्रवेश करते हुए आप सब अपने शिक्षकों से मिली सीख तथा माता पिता एवं बड़ों से मेरे आशीर्वाद के बल पर खूब सफलता प्राप्त करें। सुभाष से अंधाना संतो, आपका जीवन तक मंगलमय हो। धन्यवाद। जय। मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति के प्रस्थान पूर्व सभी उपस्थितजनों से राष्ट्रगान हेतु खड़े होने के लिए अनुरोध करता हूँ। तत्पश्चात आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।